मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझ रहे थे, काफ़ी ट्रैफिक की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है अब रास्ते को जो है चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है। जिस तरह से आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर सब लगे हुए थे और उसके बाद जो वायर थे वो सभी अंडरग्राउंड कर दिए गए और इलेक्ट्रिक पोल को हटा दिया गया। उसके बाद आज को आप बता दें कि मुंब्रा का कौसा कब्रस्तान जो है, ये इलाका जो है ट्रैफिक समस्या जाम होने की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ होती थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और मनपा के अधिकारी जो है धनंजय गोसावी और सागर सालू के और तमाम अधिकारी, ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल, वो सभी लोग यहाँ सुबह 5 बजे से ही मौजूद थे। और जो यहाँ पर डिवाइडर ये बनाया गया था कौसा कब्रस्तान के पास, ये डिवाइडर जो है आज सुबह से ही इसे तोड़ दिया गया। आपको बता दें ये डिवाइडर जो तनवर तक का ये डिवाइडर तोड़ा गया है और जो डिवाइडर यहाँ से था अब उसे कौसा कब्रस्तान की दीवार, आपको दिखा दिए कौसा कब्रस्तान की दीवार है, उसके बाद यहाँ पर ये डिवाइडर था। अब यहाँ पर जो है ये ज़मीन जो है पक्की की जा रही है और डिवाइडर जो है अब यहाँ से जहाँ पहले डिवाइडर था वहाँ से 4 मीटर डिवाइडर अब यहाँ बनेगा, यानी कि रोड की चौड़ाई जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो कब्रस्तान के तरफ का जो रोड था वहाँ पर जो है काफ़ी कम जगह थी, यानी कि ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें तो 2 लाइन ऑटो रिक्शा वहाँ से जा सकती थी, लेकिन अब अगर 4 मीटर यहाँ से डिवाइडर दूसरी तरफ किया जा रहा है तो फिर वहाँ का रोड जो है चौड़ा हो जा रहा है, काफ़ी मतलब हद तक ट्रैफिक की समस्या वहाँ पर कम होगी, क्योंकि यहाँ का जो ये इलाका पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग रोड का काम भी जो है पूरा होने को है। बहरहाल यहाँ पर पूरा होने को है, लेकिन जो गाड़ियाँ अवैध रूप से यहाँ पर पार्किंग की गई थी और जो ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है कि लोगों से जो है अपनी अपनी गाड़ियां यहां से हटाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, नहीं तो उनके गाड़ियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और भी इसी तरह का जो शिमला पार्क का तालाब का इलाका है वहां भी काफ़ी कंजेशन होता है, ट्रैफिक के लिए काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है, तो वहां भी जो है इस तरह के काम अभी किया जाएगा। और इस पूरे काम के बारे में पूरी जानकारी हमने अशरफ शानू पठान और धनंजय गोसावी और मैं जो है सागर सालूंके साहब और जो ट्रैफिक विभाग के जो इंचार्ज है दिलीप पाटिल उनसे ली है। क्या पूरी जानकारी उन लोगों ने इसके बारे में दी है कि पिछले 2-3 साल से रास्ता रुंडीकरण करके जो काम में किया गया था उसमें काफ़ी हद तक वो धीमी स्थिति में था और पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण वो काम रुका हुआ था, लेकिन गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब के आदेश के बाद ये कौसा से लेके तनवर ओल्ड नशेमन पेट्रोल पंप तक जो ब्लॉक थे, जैसे सीवरेज, एलटी पोल, एमएसडीसीएल के एसटी पोल अंडरग्राउंड करने का, और फाइनली आज जो हमने सवेरे से 5 बजे से हम टीएमसी के अधिकारी विद्युत के अधिकारी, एसटीपी के, सीवरेज के अधिकारी, ये सभी अधिकारियों के साथ मिलकर आज फाइनली जो था हमने कौसा का डिवाइडर को शिफ्टिंग करके ये रोड को मुमरा कौसा को बड़ा करके दे दिया गया है। इससे रमज़ान में जैसे हमने वादा किया था गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने, हमारे सभी नगर सेवकों ने, शमीम भाई और सईद अली भाई साहब, सभी जितने भी टीम है इनके सहयोग से जो काफ़ी हद तक मेहनत करी थी आज उसको फाइनली अमली जामा पहना चुके। ये डिवाइडर शिफ्टिंग होने से रमज़ान में काफ़ी हद तक ट्रैफिक की कमी होगी। अब हमारा भाई ये डिवाइडर आज तोड़ा गया है तो ये डिवाइडर कितनी मीटर उस तरफ जाएगा? नहीं देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी हमने इस यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर निकाला और 4 मीटर के तहत डिवाइडर को शिफ्टिंग किया जाएगा, लेकिन ये जो एसटीपी की, सीवरेज की और एलटी पोल और एसटी पोल की जो तकलीफ थी उसके कारण कहीं ना कहीं ब्लॉकेज था। आज भी हमको कौसा से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन तक को रोड को एक लेवल और कंटिन्यू बड़ा करने के लिए 2-3 प्रॉब्लम और है।
पानी की बड़ी लाइन है काकानगर के पास, तनवर पेट्रोल पंप के पास, मित्तल के पास, शिवसेना शाखा के पास, और ट्रांसफार्मर है सागर किस्मत और एक कौसा, ऐसे ट्रांसफार्मर है जिनकी जगह हमने ढूंढ लिए, सोसाइटी से कई जगह पे बात किए, आने वाले रमजान तक में हम उनको भी शिफ्टिंग करके मुमरा कौसा को 30 साल बाद इतना खूबसूरत रोड मिलेगा जैसा हमने वादा किया था। और आपके जरिए हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे मुमरा कौसा के नागरिकों से कि हम जो पार्किंग है वो सही तरीके से लगाए, पार्किंग सही, और हॉकर्स मित्तल में शिफ्ट करें, मुख्य रोड के हॉकर्स, तो हमको मुमरा कौसा को ट्रैफिक फ्री मुमरा कौसा हम बोल सकते हैं। एक तरीके से मित्तल रोड हमारा जो बन जाएगा जून तक, जो मित्तल से निकलेगा और शिमला पार्क में वाई जंक्शन पे टच होगा, वो भी जून तक कंप्लीट होगा। लेकिन ये काम जो आज फाइनली हमने किया है, जिसके लाइट के पोल शिफ्टिंग कर दिए, डिवाइडर को शिफ्टिंग कर दिया है, ये बाकी सारे काम जो आज हमने किए, इससे ट्रैफिक की समस्या 90% खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफार्मर और पानी की लाइन अगर हमने ये महीने के अंदर हम पूरी कोशिश करके हटा लेंगे, शिमला पार्क से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक आपको इतना खूबसूरत बड़ा रोड 30 साल बाद देखने मिलेगा। जो शिमला पार्क के अंदर जो हम एमएम विला में जाते स्टेडियम और अब्दुल मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम में जाते हमारे इमरान बाबू के वार्ड की तरफ, वहाँ पे हम सर्कल बनाने अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक में हम सर्कल बनाएंगे, तो जो ट्रैफिक वहाँ जमा होता है वो भी ट्रैफिक जमा नहीं होगा। और आरटीओ के साथ और हमारे गोसावी साहब सालूम के साथ और हमारे सभी टीम ने मिलकर एक सर्वे भी करा है, 12 जगह हम पार्किंग के बोर्ड लगाने वाले, वहाँ ही जहाँ पे बड़ा डिस्टेंस है रोड बड़े, तो वहीं पे हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि पार्किंग करें। हॉकर्स को हम तात्पुरता जब तक हॉकर्स प्लाजा नहीं मिलता है मित्तल में दे रहे, वहाँ मित्तल में हॉकर्स लगाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप खुद देख लेना, ये जो आज का काम हुआ है इसके बाद मुमरा कौसा की ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। बचा हुआ काम जो है हमारा पानी और ट्रांसफार्मर, पानी की लाइन शिफ्ट करने का और ट्रांसफार्मर, वो ये मंथ के अंदर हम कंप्लीट करके शहरवासियों को माननीय जितेंद्र रावत साहब ने जैसा आदेश दिया था, जिसके लिए उन्होंने अपोजिशन लीडर मुझे चुना कि जो काम धीमी रफ्तार में उसको मैं सेटलमेंट करके कहीं ना कहीं उसका उपाय ढूंढ के पूरी तरीके से फाइनली करा लूँ। इंशाल्लाह ताला उनको नाउम्मीदी नहीं होगी। इस साल में जो बचे हुए काम थे धीमी रफ्तार में थे उसे फाइनली पूरा कर दिया जाएगा। शानू भाई, एक तरह से ब्रिज की भी मांग की जा रही है, यहाँ के नगर सेवक, कुछ ऐसे नगर सेवक है जो लेटर भी मनपा में दिया है, ब्रिज की मांग यहाँ से लेके शिमला पार तक के ब्रिज की मांग की गई है, तो आप लोग क्यों नहीं ब्रिज की मांग करते? आप समझिए, अगर हम ऐसी कोई भी चीज़ अभी मांग करेंगे, महापालिका के पास पैसा नहीं है। आप हमारा इतना खूबसूरत रोड बन गया है, करोड़ रुपये, ये 16 करोड़ रुपये 17 करोड़ खर्चा करके मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक का कौसा तक का UTWT का नया रोड है, रास्ता रुंदीकरण का रोड है, ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाएगा 75 मीटर रहेगा, उसके बाद कई जगह पे 45 है DP, लेकिन ये इतना बड़ा रोड रहेगा कि ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। आने इसी को हमने सही से मेंटेन कर दिया तो आने वाले वक्त के अंदर हमारी मुमरा कौसा की ट्रैफिक समस्या दूर हो जाएगी। ब्रिज होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए ब्रिज की मांग, अगर ब्रिज की मांग हम लोग बजट में बात भी करेंगे, माननीय जितेंद्र रावत साहब ने एक एडिशनल सर्विस रोड भी मुमरा के लिए, शंकर मंदिर से लेकर वाई जंक्शन तक ब्रिज बन जाए तो काफी हद तक का जो है और भी ट्रैफिक समस्या है, कुछ हॉकर्स हैं तो उनका भी रोड काफी हद तक बड़ा हो गया है, अभी हो रहा है बड़ा ना, बड़ा हो गया है। आपको इसका इफेक्ट, इसका पर्याय, आपको इसका रिजल्ट विद इन 1 वीक में आपको देखने मिलेगा। आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, विद इन 1 वीक में आप ये परिस्थिति देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको डे नाइट काम किया जा रहा है, सवेरे 5 बजे से 3 दिन में हमको ये खत्म करना है, वक्त नहीं है हमारे पास, रमजान नज़दीक है, हमको ये सारी समस्या को जल्द से जल्द दूर करना है और शहरवासियों को इतना खूबसूरत रोड 30 साल बाद मिलेगा, ये मैं आपको वादा से करता हूँ। ये ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो ये काम किया जा रहा है रास्ता चौड़ा करने का, ये काम जो है कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, और मुमरा में कौन कौन से और ऐसे जगह है जहाँ रास्ते की चौड़ाई कम है वहाँ भी ये काम किया जाएगा? मुमरा में रास्ते रुंदीकरण का काम चालू था, और जैसे पिछले महीने में शानू भाई ने अपोजिशन लीडर बोल के जैसा कार्यभार हाथ में लिया, तभी से इन्होंने हमारे साथ में 3-4 मीटिंग ले ली और राउंड भी 2-3 बार किया कि मेरे को जो प्रॉब्लम थे मैं उनको बता दिया। मैं बोला ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि पब्लिक हमको साथ देगी तो हम काम कर सकते हैं, नहीं तो ये इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने हमारे साथ में मीटिंग ली 3-4 बार, फिर हमने एक सोल्यूशन निकाला कि और तय किया कि कौन सा काम कौन से टाइम पर करेंगे।
तो उसमें से ये जिधर बॉटल नेक सबसे ट्रैफिक ज़्यादा होती थी ये कौसा कब्रस्तान का था। ये जो रोड था ये अपने को 30 मीटर के डीपी में आता है। अब वो 30 मीटर के डीपी में आता है, एक साइड में कब्रस्तान था और दूसरे साइड में जो आला शरफ की वॉल थी वो उन लोगों को शानू भाई ने रिक्वेस्ट किया और अपने को इतना बड़ा जगह उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर दे दिया और उनका कंपाउंड वॉल पीछे गया। ये अपना अभी ये डिवाइडर जो डिवाइडर के कब्रस्तान के साइड में दो ही लाइन मिलती थी, उधर बहुत ट्रैफिक जाम होता था, अभी चार लाइन अपने को मिलेगी और वो साइड में चार लाइन मिलेगी। तो ये काम हम एक दो तीन सैटरडे नाइट संडे नाइट तक पूरा करेंगे हम। और सवेरे ये हमने 4:30 बजे सवेरे और 5 बजे एक्चुअली काम हमारा सवेरे चालू हो गया और शानू भाई 4:30 बजे से इधर आए थे तो उन्होंने पूरा प्रोग्राम सेटिंग करके दिया था, वो हिसाब से हमने काम कर दिया। और भी आगे का किस तरह का आप लोगों का शहर को लेकर काम काज है वो उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी। इन ये इमरान भाई साहब ने हमको एक रिक्वेस्ट की थी कि जो कौसा तालाब पालिका जो सर्कल है एक रास्ता एम एम वाली की तरफ जाता है, एक रास्ता वाइन जंक्शन की तरफ जाता है, एक रास्ता मुमरा की तरफ जाता है, एक रास्ता रशीद मुला में जाता है, मगर उधर कंजेस्टेड ट्रैफिक होता है। तो उधर एक ट्रैफिक के हिसाब से ट्रैफिक ऑफिसर और अपने अपोजिशन लीडर शानू भाई और नगर सेवक सुरमे साहब के साथ में अभी राउंड हो गया और वो काम मंडे सवेरे 5 बजे चालू हो जाएगा ताकि उधर की भी ट्रैफिक निकल जाए। तो रमजान से पहले आपने तो जो तनोर नगर नाके से जो कौसा का तकलीफ होता है ट्रैफिक का वो हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। पाटिल साहब इस तरह से अभी रास्ता का जो है चौड़ा करने का काम शुरू हुआ है, काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती थी लेकिन अब जो है ये डिवाइडर तोड़कर यहाँ से 4 मीटर आगे बढ़ाया गया है। तो जो पीछे का एरिया है यहाँ पर काफ़ी गाड़ी पार्क है, कुछ गाड़ियाँ भंगार भी हो चुकी हैं, तो ऐसे में गाड़ियों को लेकर फिर सवाल उठ रहा है कि अगर ये रास्ता चौड़ा किया गया है तो फिर ये गाड़ियाँ यहाँ से कब हटाई जाएंगी? आप जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ हैं उन्हें क्या नोटिस वगैरह इशू करेंगे या आप कार्रवाई करके आप खुद ले जाएंगे? अभी प्रशासन ने जो काम हाथ में लिया है डिवाइडर बाजू में किया है, शानू साहब फडन साहब खुद इधर है, प्रशासन के लोग है। अभी जो हम लोगों ने उनको प्रशासन ने 12 पार्किंग भी अलाउड किया है, जोन पार्किंग उधर ही स्पॉट 12 पार्किंग स्पॉट अलाउड किया हुआ है तो उधर ही ये लोग गाड़ी लगाना मांगता है। जो भी कभी मैं अभी तमाम मुमरा वासियों को ये बोलेगा कि सब लोगों ने कोऑपरेट करो और उधर ही पार्किंग करो, आप जिधर पार्किंग नहीं है उधर पार्किंग करोगे तो वो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, अभी बहुत कड़क कार्रवाई करेंगे। सर आप 12 जगह बता रहे हैं, थोड़ा जानकारी देंगे कि वो कौन कौन सी जगह है? 12 जगह एक अपने मित्तल के सामने शाखा समोर, एक शिमला पार्क के आगे शमशान नगर, ऐसे 12 स्पॉट, एक दत्तूवाड़ी, ये 12 जगह पे सोमवार मंगलवार को बोर्ड लगा के हम उमरा कौसा की आवाम को विनती करेंगे कि उन्हीं जगहों पे पार्किंग करें क्योंकि हम उनको इनलीगल पार्किंग और इनलीगल हॉकर्स कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास उनको देने के लिए अभी तक लीगल पार्किंग जोन नहीं है और लीगल हॉकर्स नहीं है, इसीलिए इनलीगल बोलने के हम अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये पूरे शहर ही हमारा जिस हम जगह पर रहते हैं वो अनप्लान सिटी है तो इनलीगल ही बोला जाता है, इसीलिए हमको पहले उनको पर्याय देना पड़ेगा तब उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ जाके बैठिए। ऐसे ही आपके ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मित्तल में आपको टेम्पररी हॉकर्स के लिए दिया जा रहा है, आप वहाँ बैठिए और अभी 12 स्पॉट जहाँ हम हॉकर पार्किंग का बोर्ड लगाने वाले लोग वहाँ लगाएं ताकि हमारे शहर को हम ट्रैफिक फ्री कर सकते बिना मुमरा कौसा की जनता के सहयोग से। प्रशासन और राजकीय लोग कोई भी चीज़ सफलता 100% नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी जनता से अपील है आप हमारा साथ दें, हम मुमरा कौसा को ट्रैफिक फ्री करके रहेंगे। हमारे सालुंके साहब है, अच्छा सालुंके साहब आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये काम किया जा रहा है यहाँ पर और रास्ता चौड़ा किया जा रहा है? आपण बघितलं जा नमस्कार आपण बघितलं असेल की मुंबऱ्यामधील कौसा कब्रस्तानचा जो बॉटलनेक तयार झालेला आहे त्या बॉटलनेकमुळे बऱ्याच ठिकाणी पाठीमागच्या साईडला ही ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होते। तर आता सद्यस्थितीमध्ये नागरिकांच्या मागणीनुसार तसेच स्थानिक नगरसेवकांच्या मागणीनुसार आणि माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या मिटिंगचा संदर्भ घेऊन आम्ही नागरिकांच्या सोयीकरता इथला जो डिवायडर जो आहे तो बाजूला म्हणजे अपोजिट साईडला कौसा कब्रस्तानच्या अपोजिट साईडला सरकून दोन्ही बाजूला समान लेन निर्माण होतील आणि ट्रॅफिकची समस्या कमी होईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतो आहे। याचबरोबरीने आम्ही महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आणि पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन काल ट्रॅफिक समस्या सोडवण्याकरता कुठे कुठे आपल्याला पार्किंगचे स्लॉट निर्माण करता येतील या दृष्टिकोनातून आम्ही पाहणी दौरा केला, त्यातून असं निदर्शन झालं किमान 12 त्याहूनही जास्त होऊ शकतात, मुमरा स्टेशनपासून वाय जंक्शनपर्यंत किमान 12 ठिकाणी पार्किंगचे स्लॉट तयार होऊ शकतात, तर आम्ही आता ते पार्किंगचे स्लॉट डिक्लेअर करून
तिथे मार्किंग वगैरे करून पोलिसांना ते हँड ओव्हर करणार आहोत की जेणेकरून त्या पार्किंग स्लॉटच्या ह्याच्यामध्ये किंवा त्याच्या बाहेर कोणी जर गाड्या वगैरे पार्किंग करत असेल त्यावर नियमानुसार कारवाई होईल, लोकांमध्येही शिस्त लागेल. या सगळ्या गोष्टीकरता स्थानिक नागरिकांचंही सहकार्य आवश्यक आहे. आपल्या माध्यमाच्या तर्फे मी रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की नागरिकांनी याकरता प्रशासनास सहकार्य करावे. थँक्यू. प्रशासन जो भी काम कर रहा है आप लोगों के लिए कर रहा, मुंबई वासियों के लिए. और मैं रिक्शा वाले से भी अपील करता हूँ, उनको भी आह्वान करता हूँ कि उन्होंने भी जिधर बॉटल ले गए उधर रिक्शा पार्क मत नहीं करे. रिक्शा की वजह से भी काफ़ी जाम होता है ट्रॉफिक, तो उन्होंने रिक्शा जिधर उनको बताया गया हुआ है ये बॉटल ले गए उधर उन्होंने रिक्शा नहीं खड़े करे, उधर पैसेंजर नहीं उतरा उन्होंने. सब रिक्शा वाले को मैं भी ये अपील करता हूँ, सब लोग हमें सहयोग करें कि हमारा ट्रैफिक ये हो जाए, क्लियर हो जाए. तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ जो मुंब्रा के ट्रैफिक इंचार्ज हैं और मुंब्रा प्रभाग समिति के जो AMC है उन्होंने किस तरह से जानकारी दी कि मुंब्रा शहर में जो 12 जो है पार्किंग जोन बनाया गया है जहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और साथ ही जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या हो रही थी उसको देखते हुए अब मुंब्रा शहर के जो है रास्ते को जो है चौड़ा करने का काम भी शुरू किया गया है. कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा.